दोस्तों यहाँ पर आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम के अंदर एक प्रोफेशनल अकाउंट है, बाकी प्राइवेट नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं, बिजनेस अकाउंट कैन नॉट बी प्राइवेट। इफ़ यू वांट टू मेक योर अकाउंट प्राइवेट, फर्स्ट स्विच बैक टू योर पर्सनल अकाउंट। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को ये अकाउंट, यानी कि जो आपके पास प्रोफेशनल अकाउंट है, आप लोगों को पर्सनल में स्विच करना है, तब आप अपना अकाउंट प्राइवेट कर सकते। वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को जरूर आखिर तक वॉच करना। हे गाइस व्हाट्सअप, जब आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल मोड में स्विच कर लेते हैं, फिर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोगों को वापस जाना है पर्सनल मोड में। तो गाइस वो आप लोग कैसे जा सकते, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ, प्रोफेशनल अकाउंट को पर्सनल में स्विच कैसे करें, वो भी सिर्फ वन क्लिक के अंदर। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, प्लीज यार वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना, वरना आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा। उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हमेशा मस्त मस्त कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो गाइस चलो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ, राइट। जी हाँ, हे व्हाट्सएप पीपल, तो गाइस अगर आप लोगों को भी प्रोफेशनल अकाउंट पर्सनल में स्विच करना है, वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो गाइस इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, ध्यान दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखना, तो ही आप लोग ये कर पाओगे, राइट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर की ऐप ओपन करनी है और आप लोगों को ऊपर देगा सर्च बार, आपको सर्च बार पर टैप करना है, उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ टाइप करना है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम टाइप करने के बाद फिर आप लोगों को इंस्टाग्राम की जो ऐप वगैरह है वो आप लोगों को अपडेट करनी है, उसके बाद सिंपली आप लोगों को होम स्क्रीन पर आना है, राइट। उसके बाद सिंपली आप लोगों को इंस्टाग्राम की जो ऐप है वो आप लोगों को ओपन करनी है। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों को यहाँ अपना जो अकाउंट वगैरह है वो आपको लॉगिन करना है। तो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इसका मतलब ये जो अकाउंट है ये फिलहाल प्रोफेशनल मोड में है। तो गाइज अब मैं इसको स्विच कर लूँगा पर्सनल अकाउंट, वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग इसीलिए इस वीडियो पर आए हैं। तो गाइज इसके लिए आप लोगों को ऊपर देखिए थ्री डॉट्स, आपको थ्री डॉट्स पर टैप करना है और आप लोगों को ऊपर देखिए सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स पर टैप करना है। जी हाँ दोस्त, जैसे आप सेटिंग्स पर टैप करोगे फिर आप लोगों को सिंपली अकाउंट वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो गाइज अकाउंट वाले ऑप्शन में चले जाने के बाद फिर आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्विच अकाउंट टाइप, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे फिर आप लोगों को यहाँ दिखेगा स्विच टू पर्सनल अकाउंट, आप लोगों को इसी पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे बूम गाइज, आपका जो अकाउंट है यानी कि जो आपके पास प्रोफेशनल अकाउंट है वो 100% आपका पर्सनल आईडी बन जाएगा। जी हाँ दोस्त, इसी तरह आप लोग इंस्टाग्राम में प्रोफेशनल मोड से पर्सनल मोड में स्विच हो जाओगे, वो भी आराम से, राइट। जी हाँ दोस्त, अगर आप लोगों ने भी ये वाला मेथड यूज़ किया उसके बाद आप लोग अपनी इंस्टाग्राम आईडी को 100% प्राइवेट कर सकते हैं और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वो पर्सनली रहेगा, राइट। अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करना ना भूलें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।